मेरे चैनल शोरगुल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। चलिए मैं आपको एक ऐसी जानकारी देने जा रहा हूँ जो घर बैठे आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन से आप अपने बिजली बिल पेमेंट कर सकते हैं, मीटर शिफ्टिंग कर सकते हैं और बहुत सारे चीज़ें आप अपने घर बैठे कर सकते हैं। जैसे आप आपके बिल में नाम के नाम गलत आ रहा है तो आप उस नाम को सुधार सकते हैं घर बैठे। आपको आपको कहीं नहीं जाना है, आपको आप इस एंड्रॉयड मोबाइल से ही आपका सारे समस्याओं का समाधान होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको सिंपली क्या करना है, आपको प्ले स्टोर ओपन कर लेना है। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद यहाँ पे जैसे कि हमारा प्ले स्टोर खुल चुका है और यहाँ पे हम सर्च पे जाएंगे, सर्च पे लिखेंगे स्मार्ट बिजली और सर्च करेंगे। जैसे ही सर्च करते हैं यहाँ पे देखिए वो ऐप आ जाएगी। आपको सिंपली यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना है। मैंने पहले ऑलरेडी इसको इंस्टॉल कर लिया है और आपको इंस्टॉल कर लेना है। और जैसे इंस्टॉल हो जाता है आपको ओपन का ऑप्शन आ जाएगा, ओपन कर लेना है सिंपली आपको। और यहाँ पे देखिए आपको लॉगिन और साइन अप दोनों का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे आपको अगर साइन अप आप नए यूज़र हो इसमें तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे इंटर नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और पासवर्ड ये सब डाल के आपको फिल करके रजिस्टर करना है। अगर आप रजिस्टर करने के बाद आपको सिंपली लॉगिन में जाना है और यहाँ पे अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेना है। तो अभी मैं एज ए गेस्ट मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कुछ चीज़ें जो इस ऐप के अंदर हैं। तो हम जैसे कि ऐप के अंदर आ चुके हैं और यहाँ पे देखिए आप घर बैठे आप इस ऐप के थ्रू क्या क्या कर सकते हैं। आपको अगर कंप्लेन करनी है यहाँ पे देखिए कंप्लेन का ऑप्शन है, यहाँ पे कंप्लेन सर्विस जाना है आपको और IVRS नंबर डालकर आप अपनी कंप्लेंट को दर्ज करा सकते हैं। IVRS नंबर क्या होता है, आपको आपके बिजली बिल के ऊपर मिल जाएगा, लिखा हुआ मिल जाता है, 10 डिजिट का रहता है, आपको मिल जाएगा वहाँ पर और वहाँ आप अपने कंप्लेंट को दर्ज करा सकते हैं। और चलिए दोस्तों और भी आप बहुत कुछ दिखाना है आपको। और ये देखिए यहाँ पे नाम का ऑप्शन है, यहाँ पे नाम चेंज कर सकता है। अगर आपका बिजली बिल में नाम में मिस्टेक है, एरर है कुछ उसमें, तो आप सिंपली यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे चेंज नेम में चेंज करना है आपको। यहाँ पे ये सारे फिल करने हैं आपको। यहाँ पे आपको फिल करने के बाद यहाँ पे आपको सबमिट कर देना है। यहाँ पे आईडी प्रूफ वगैरह आपको जो भी रिकॉर्ड मांग रहा है आपको यहाँ पे फिल कर देना है। अगर आपको कोई समस्या होती है इस बीच तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम उसका समाधान करेंगे। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे मैं बैग जाता हूँ और यहाँ पे देखिए एक और ऑप्शन है, यहाँ पे का ऑप्शन है, यहाँ पे पे और बिल, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे IVRS नंबर 10 डिजिट यहाँ पे डालने को बोला है। अगर आप यहाँ पे आप ग्रामीण क्षेत्र से हो या शहरी क्षेत्र से हो तो आपको सिंपली यहाँ पे डाल देना है। यहाँ पे 10 डिजिट का डालने के बाद आपको सिंपली सबमिट कर देना है और जैसे सबमिट करेंगे आपका बिल आपके सामने होगा और उसमें कितना इस महीने का है बिल है आपको पता चल जाएगा और आप पेमेंट कर सकते हैं एज अ UPI के माध्यम से। और यहाँ पे पेमेंट का परमानेंट डिसकनेक्शन भी करा सकते हैं आप अपने बिजली कनेक्शन को, आप यहाँ पे डिसकनेक्ट भी करा सकते हो ये सारी डिटेल्स भर कर। और यहाँ पे ये मीटर रीडिंग भी कर सकते हैं आप, अपना IVRS नंबर डालकर फ़ोटो अपलोड करके मीटर रीडिंग कर सकते हो, आप चेक कर सकते हैं खुद से ही। तो आप कितना आसान है इस घर बैठे आपको एंड्रॉयड ऐप के माध्यम से अपने मोबाइल फोन स्मार्टफोन के माध्यम से आप अपने घर बैठे इन सब चीज़ों को देख पाएंगे। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिंपली क्या करना है यहाँ पे सिंपली क्या करना है आपको तो दोस्तों अभी देखिए और ये दो तीन और ऑप्शन बचे हैं, दो तीन फीचर्स इस ऐप के और भी बचे हैं। चलिए मैं उसको बता देता हूँ आपको। अगर आपको मोबाइल नंबर आपके चेंज कराना है, ईमेल आईडी चेंज कराना है तो इस सेक्शन में जाना है और यहाँ पे अपना IVRS नंबर डाल देना है। IVRS नंबर क्या होता है ये आपको मिल जाएगा, आपके जो बिजली बिल आता है उसमें 10 डिजिट का ऊपर ही लिखा रहता है, आपके नाम के जस्ट ऊपर ही लिखा रहेगा IVRS नंबर। वहाँ से आप चेक कर लीजिए और वहाँ पर फिल करके आप देख सकते हैं।
और देखिए, अगर आपको मीटर शिफ्टिंग करना है कहीं ऐसी जगह, आपका नया घर बनना है, नया मकान बनना है, तो आपको मीटर शिफ्टिंग करा सकते हो। यहाँ पे सिंपली जाना है और अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के लिए वही सिस्टम है, IVRS नंबर या सर्विस नंबर आपको डाल देना है और यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें फिल कर देनी है। तो सिंपली आप इन दोस्तों आप ऐसा कर सकते हैं यहाँ पे। अगर आपको एक और चीज़ है, यहाँ पे देखिए रिपोर्ट डिफेक्टिव मीटर्स, यहाँ पे अगर डिफेक्टिव मीटर्स लगा है आपको, ख़राब हो चुका, तो आप मीटर को चेंज भी करा सकते हैं। सिंपली यहाँ पे जाना है और यहाँ पे सारे ये डिटेल्स को फिल करके आपको सबमिट कर देना है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये हमारी वीडियो? अगर आपको ये यूज़फुल लगती है, अच्छी लगती है वीडियो, तो शेयर करें और कमेंट करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।